ठीक है। अच्छा हिस्ट्री टेकिंग ना, देखो पहले हिस्ट्री टेकिंग से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। हिस्ट्री क्यों लेते हैं एनीवन? डायग्नोसिस के लिए। चलें उससे और एक स्टेप पीछे चले जाते हैं कि हम पेशेंट क्यों देखते हैं? फॉर ट्रीटमेंट। चलें एक सवाल इसको मैं और पीछे से शुरू करता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स, वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, ऑल्दो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव। व्हाट्स योर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव? दैट्स गिवन द लर्निंग, इजंट इट? तो प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव को अगर एक वर्ड में डिफाइन करो तो क्या होगा प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव? अपना प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव जो तुमने प्रोफेशन चूज किया है, ट्रीट करना। देखो मैं बहुत से तुम्हें ऐसे मरीज दिखा दूं जिनमें तुम ट्रीट नहीं करते। गिव केयर टू रिलीव देम, कॉम्प्रिहेंसिव मजा नहीं आ रहा। सर्व देम भी सही है, सारे पार्ट बन रहे हैं, लेकिन वो जो एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब एक प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव का होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। ठीक, इसको मैं, ये असल में बात भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो इसके मुख्तलिफ जवाब हो सकते हैं। मेरे लिहाज से जो बेस्ट जवाब इसका बनता है, टू असेस पर्सन्स हेल्थ प्रॉब्लम एंड ऑफर बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है जब आप किसी को भी देखने जा रहे हैं या कोई आपसे इंटरेक्ट करने जा रहा है। कभी कभार आप हैरान होंगे, ये बताना कि आपको मर्ज नहीं है, ये भी उसके मसले का हल होता है। ना कोई ट्रीट किया, ना डायग्नोज किया, ये क्लियर कर दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी है, और ऐसा कई मर्तबा होगा, आप देखेंगे। तो ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव होता है एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अच्छा अब ये मसले इतना ज़्यादा अपने आप को वो नहीं रखना होता फोकस कि बस बीमारी ही उसका मसला है। कभी कभार मरीज का मसला उसकी मेंटल हेल्थ होता है, और हमारे पास ऐसे कई मरीज आते हैं जो मुसलसल बस इसलिए परेशान होते हैं मुझे कुछ है, हालांकि होता उनको कुछ नहीं है। अब उसको ये क्लियर कर देना भी मेरी जॉब है, उसको सेटिस्फाई कर देना कि भाई तुम्हें कुछ नहीं है। अब उसको दरवाजे से भगा नहीं देना है क्योंकि उसको कुछ नहीं है और वो बार बार क्यों आ रहा है। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिम, नॉट हियर बट हियर, दैट यू हैव टू टेक केयर। तो अपने आप को सबसे पहले इस चीज़ के लिए तैयार करना है कि आपने जो भी आदमी आपसे किसी तौर किसी सिलसिले में मिल रहा है इन रिलेशन टू हिज हेल्थ, अदरवाइज तो एज ए पर्सन तो हमें हर मसला ही हल करना है किसी का भी। तो दोनों चीज़ें कंबाइन कर लें अगर, तो फिर तो और ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा। और ऐसे बेचारे जूनियर डॉक्टर मुझे अक्सर मिलते हैं जो अपनी पॉकेट मनी से उसके टेस्ट भी करा रहे होते हैं, कलेक्शन करके बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे अब वो क्या कर रहे हैं, वो डुअल काम कर रहे हैं, हेल्थ मसाइल भी हल कर रहे हैं और उसके बाकी मसले भी हल कर रहे हैं। ये तो आइडियल है। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग क्या है कि वो अपने सामने आने वाले का हर मसला हल करे। लेकिन कम अज़ कम एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको उसका हेल्थ प्रॉब्लम प्रॉपरली असेस करना आना चाहिए, और फिर उसका क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है। अब अगर आप सोचो तो इस चीज़ का जो बेस है, दैट इज़ हिस्ट्री, आपके इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का बेस, बुनियाद बनेगी हिस्ट्री, क्योंकि ये स्टार्टर होगा आपका मरीज से इंटरेक्शन का। आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी अननोन जगह पे, सबसे पहले जब वो आदमी आपसे बात करता है, आधा मसला आपका उस वक्त हल हो जाता है। किसी मसले के लिए आप उसके पास गए, अगर उसका बड़ा रूड और अजीब व गरीब बिहेवियर है, तो अभी मसले पे मसला खड़ा हो जाएगा कि आप बात ही नहीं कर सकेंगे कि पता नहीं क्या है आप। तो एज ए डॉक्टर हिस्ट्री टेकिंग ये बहुत बड़ा आर्ट है। यानी कॉन्टेंट्स तो अपनी जगह हैं, उसको तो आप साइड पे रख दें कि आपने हिस्ट्री में पूछना क्या है। सबसे बड़ा हिस्ट्री टेकिंग का जो मेन इशू है वो क्या है,
एटीट्यूड्स। कोई भी मरीज या कोई भी इंसान अपनी सारी बातें किसी को कब बताता है? जब उसको ये एहसास हो कि ये मेरा मसला। वरना आप अपने किसी दोस्त से कोई कैजुअल सी फ्रेंडशिप हो, सुबह आपके साथ कोई वाकया हुआ हो, वो आके पूछे भाई क्या हुआ, परेशान लग रहे हो, वो कुछ नहीं हुआ है, उसको पता है इसने क्या लेना देना है, इससे मैं क्यों बैठ के इसके सामने तफसील। सेम अप्लाइज टू पेशेंट। जब उसको अंदाज़ा हो जाता है कि आप वो वाले डॉक्टर हैं जो सिर्फ फाइलें भर रहा है, तो वो अपनी बातें फिर ना सोचना शुरू करता है ना बताना शुरू करता है। एंड दैट हैपन वेरी फ्रीक्वेंटली आर जूनियर कोलीग्स, कि बहुत सी बातें उनको बताई नहीं होती हैं पेशेंट ने, राउंड में खड़े होते हैं, उल्टी सीधी डायग्नोसिस बनाई हुई है, हमने दो सवाल पूछे और डायग्नोसिस कुछ और हो गई, तो वो फिर कह रहे सर इसने मुझे बताया नहीं। बताने के लिए क्या, पहले उस अंदाज से पूछना पड़ेगा जिससे उसको एहसास हो कि यू आर गोइंग टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। हमारे जूनियर बेचारे क्या करते हैं, फुट एंड पे खड़े हुए, और उन्होंने जाहिर सी बात है 5-10 मरीज ऑन कॉल पे हैं, वो फिल करनी है फाइलें जल्दी जल्दी, वो अपनी जगह है वो काम, लेकिन अपने आप को हैबिचुअल करना है हिस्ट्री टेकिंग का, कि हिस्ट्री टेकिंग कोई नोट को फुलफिल करना, पहले तो ये बात जहन से निकाल लें। हिस्ट्री टेकिंग इज़ द फर्स्ट बॉन्ड यू आर क्रिएटिंग विद योर पेशेंट। वहाँ पे आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं किया मरीज के साथ, ख़त्म हो गया सब कुछ, आगे आपका सारा काम, और आप कोई मशीन से डील नहीं कर रहे कि आपको कोई टक 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 करके इन्फॉर्मेशन कहीं से निकल के आ जाएगी, और उस मरीज़ ने आपको एक कोई सेलियंट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, आपकी डायग्नोसिस ख़त्म। यानी एक छुपी हुई बात आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। तो पहला पार्ट तो हिस्ट्री टेकिंग का ये है कि आपको अपने जेस्चर अपने बिहेवियर से ये शो करना है कि आप उसके मसले को हल करने के लिए मौजूद हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग जो अभी से एक्वायर करना शुरू करें। इसमें बॉडी लैंग्वेज भी शामिल होती है, इसमें आपकी वर्बल टोन भी शामिल होती है, इसमें आपके सवालों का अंदाज भी शामिल होता है, इसमें आपका मरीज़ को किस तरह डिफरेंट टॉपिक्स पे शिफ्ट करना है अगर वो गैर ज़रूरी बातें कर रहा है, ये सब आर्ट ऑफ मेडिसिन है। जो आप कब सीखते हैं, व्हेन यू इंटरेक्ट विद योर पेशेंट 1-to-1। मैं देखता हूँ आप एज ए स्टूडेंट आते हैं जत्थों की सूरत में घूम रहे होते हैं, कहीं कोई देख रहा है कुछ देख रहे हैं, कोई क्या एंजियोग्राफी देख रहा है कोई एंजियोग्राफी। याद रखिए इन 15 दिनों में देखी हुई ये हाई फाई चीज़ें आपके किसी काम, लेकिन आप किसी भी स्पेशलिटी में चले जाएं, यहाँ पे रहते हुए आपने हिस्ट्री में इतना सीख लिया कि ये चेस्ट पेन कार्डियक है या नॉन, ये आपको सारी ज़िंदगी काम आएगा। या आपने एग्जामिनेशन में इतना सीख लिया कि मर्मर है नहीं है, क्रैप्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, रेट नॉर्मल साइनस है या इरेगुलर है, ये मोटी मोटी एबनॉर्मेलिटीज़ जो कार्डियक होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री टू एग्जामिनेशन एंड इवन बेसिक इन्वेस्टिगेशन, और ये आपकी जान कहीं नहीं छोड़ेगी। आप गायनेकोलॉजिस्ट बन जाएं, आप सर्जन बन जाएं, आप ईआर फिजिशियन कहीं जाएं, आपको इवन शादी में खड़े हों हमारे साथ होता है किसी को शादी में तकलीफ़ शुरू हो गई, फलां साहब डॉक्टर ने जल्दी बुलाओ, और वहाँ पे पहला मसला ये होता है ये बताना कोई सिग्निफिकेंट लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो रहा है या, और ये 15 दिन आपके गोल्डन पीरियड हैं अपने आप को ये कॉन्फिडेंस देने का कि क्या चीज़ कार्डियक होती है और क्या चीज़ पक्की पक्की। बॉर्डरलाइन स्टेट में होता है तो इंसान को भी नहीं पता होता कि क्या है, ये आपके महल्ले में आपको कॉल आएंगी आपको, यानी ये, और उसमें 90% वो कार्डियक चीज़ें होती हैं जो पिक करनी होती हैं, क्योंकि एक्यूट चीज़ें कभी भी और किसी मर्ज के साथ नहीं होती हैं, वो सारी सब एक्यूट होती हैं, उल्टियाँ हो रही हैं आप ये दे दें ठीक है चल जाएगा काम, लेकिन वहाँ आपने पहचाना नहीं, घर पे सुला दिया मरीज़ को और अटैक का मरीज़ हुआ, और ये आपने टाइमली कह दिया कि नहीं इसको फौरी, और ये बहुत बड़ी बात होती है रात के 2 बजे आप किसी के घर में जाके कहें कि नहीं नहीं इनको अभी फ़ौरन हस्पताल लेके जाना चाहिए, तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से बिल्ट होगा जब आप बेसिक क्लिनिकल की इतनी प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेंगे इन 15 दिनों में। और उसके तरीक़ेकार क्या हैं, चाहे वार्ड में अपने वक्त, ये जो आप लेक्चर हम ले रहे हैं ना, ये उस पार्ट का जो आपने यहाँ पे सीखना है उसका 5% है, 95% सारा काम बेड साइड पर है।
और बेड साइड पे ये नहीं कि खुद भी करें, देखें क्या हो रहा है, सिर्फ ऑब्जर्व करना। एक मरीज पहुंचता है अगर ईआर में, आप ईआर भी कर सकते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, लेकिन बहुत ज़्यादा जम्मे गफीर में ना जाएं, अपने आप को दो दो तीन में डिवाइड कर लें। मुख्तलिफ़ जगहों पे इतनी बड़ी ईआर है पता भी नहीं चलता। आप कुछ ना करें, सिर्फ ऑब्ज़र्व करें, आता किस तरह है मरीज़, डॉक्टर उसको किस तरह देखता है, किस तरह फ़ैसला करता है कि ये कार्डियक है नॉन कार्डियक है, किस बुनियाद पर फ़ैसले हो रहे हैं कि एडमिशन हो रहा है और किस बुनियाद पर कि भाई डिस्चार्ज हो जाओ। यही तो सारी जंग है जो आपने सीखनी है, ये होते हुए देखें, फिर इसमें प्रैक्टिकली ख़ुद जंप इन हो जाए कि, और इतना रश होता है कि आप ख़ुद पूछ सकते हैं डॉक्टर के आने से पहले, आप अपनी बातों से फ़ैसला कर सकते हैं कि हाँ भाई इसको ये दाखिल करेंगे या। और ये तो बड़ा ज़बरदस्त पीरियड है कि आपके ऊपर एक छतरी मौजूद है कि आपको ख़ुद डिसीशन नहीं करने हैं, लेकिन आप अपने आप को जज कर सकते हैं। तो एक तो ये कर लें कि, और हमारे कार्डियक सिम्टम्स जो हैं वो बड़े गिने चुने हैं हिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ हिस्ट्री पे रह के। चेस्ट पेन, ठीक है, SOB, पेल्पिटेशन और सिनकपी जो मोटे मोटे हैं, इससे हट के फिर एसोसिएटेड भी हैं लेकिन जो मोटे मोटे हैं वो ये तीन हैं, चेस्ट पेन, SOB, पेल्पिटेशन, सिनकपी, जो बुनियाद बनते हैं कार्डियक प्रॉब्लम के स्टार्ट की। इससे हट के फिर इनके अपने लेटरल प्रॉन्ग्स हैं जिसमें ये स्पेसिफिक चेस्ट पेन नहीं होगा लेकिन इनडाइजेशन की कैफियत, जिसमें आपको पहचानना है कि जो मरीज़ बयान कर रहा है ये कार्डियक रिलेटेड है या नॉन कार्डियक रिलेटेड है, जिसमें इनडाइजेशन है, चेस्ट हेवीनेस है, चोकिंग है, सबस्टर्नल अनईजी फीलिंग, या बहुत सारी चीज़ें। वो सब कैसे पता चलेंगी, जब आप मरीज़ के साथ सुनेंगे, रोज़ाना 15-20 मरीज़ों को इन अलामतों के साथ सुनेंगे, तब आपको इसके वो वेरिएबल्स चेस्ट पेन के पता चलेंगे जो मरीज़ क्लियर कट सीने का दर्द तो नहीं कह रहा होता लेकिन होते कार्डियक है। सो चेस्ट पेन के सारे वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ सिम्टम्स, जिसमें आपको ये जज करना है कि ये जो कुछ हो रहा है दिस इज़ एक्यूट स्कीमिया। और इसमें भी फिर दो कैटेगरी है चेस्ट पेन, एक एक्यूट चेस्ट पेन, एक क्रॉनिक चेस्ट पेन। और इसमें आपको मशवरा होगा, उसमें आप चैनल पे चले जाइएगा, ला तादाद वीडियोज़ हैं, इवन असेसमेंट है ACS का, ECG, बहुत सारी कार्डियोलॉजी रिलेटेड आम अल्फाज में जो आम लोगों के लिए, वो भी सुन सकते हैं। उन तमाम चीज़ों को मर्ज करके ख़ुद अपना एक एल्गोरिदम बताएं कि आपने किस बुनियाद पर कब मरीज़ को फ़ैसला करना है कि ये कार्डियक है और कौन सी बुनियाद पर नॉन कार्डियक। SOB में भी इसी तरह फैसला करना होता है कि ये SOB कार्डियक रिलेटेड है या नॉन कार्डियक रिलेटेड है। फिर इवन SOB में ये फैसला भी करना है कि ये ऑर्गेनिक है या फंक्शनल है। बहुत से लोगों को जस्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों हो रही है, डी कंडीशनिंग, वो मिडल एज ओबीस लेडीज़ हैं जिनकी रोज़ाना का काम बस घर से किचन, एक कमरे से दूसरा कमरा, जिसे और अपने आप को कहते हैं बहुत काम करते हैं, काम ज़रूर करते हैं लेकिन स्टेमिना बिल्ड वर्क नहीं करते। तो वो तो जब आप वॉक ना कर रहे हो 30-35 मिनट 40 मिनट, तो आप क्या होगा, जब भी सीढ़ी उतरेंगे और चढ़ेंगे तो क्या होगा, सांस होगा, SOB होने लग जाएगी, दैट इज़ डी कंडीशनिंग। कि आपने तो ये भी जज करना होता है कि ये सांस ऑर्गेनिक नहीं है, वो आफ्टर एक्सक्लूजन होता है, अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा। अपने आप को फोकस रखें और मेरा ख्याल है इन तीन चीज़ों से ऊपर इन 15 दिनों में ना जाएं, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हमारी क्या क्या होती हैं, एक्सरे, ECG, ट्रोपोनिन और इको, बस इससे ऊपर नहीं जाना है। इन चीज़ों की इंटरप्रिटेशन आपको आ जाए, आपको हिस्ट्री की बुनियाद पे ये फैसला करना आ जाए कि ये कार्डियक है या नॉन कार्डियक है या इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है कि आप अभी फैसला नहीं कर पा रहे, तो जिस भी चीज़ में फैसला अभी नहीं कर पा रहे तो आपको किसकी हेल्प लेनी होती है, इन्वेस्टिगेशन की फॉर डायग्नोसिस। एक अच्छा क्लिनिशियन वो होता है जो अपनी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे डायग्नोसिस बना लेता है, वो इन्वेस्टिगेशन कंफर्मेशन के लिए कर रहा होता है, तो क्या होगा, वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, वो पिन पॉइंट वो वाली इन्वेस्टिगेशन करेगा जो वाकई उसके सस्पेशन को बस कन्फर्म करेंगे। और अगर आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे कहीं पहुंचे नहीं हैं
तो फिर आप क्या करेंगे, गैर ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेंगे क्योंकि आपने कोई कंक्लूजन नहीं बनाया। और ये भी मुझे बड़ी हैरानी होती है जब हाउस ऑफिसर या पीजी पूरा केस सुनाने के बाद उससे पूछो भाई तुम्हारा डायग्नोसिस क्या है, वो खड़ा हुआ होता है, यानी उसने पूरी हिस्ट्री भी ली, एग्जामिनेशन भी किया, लेकिन कंक्लूजन उसे शायद समझा ये मेरा काम ही नहीं है। यही काम सीखना है। आप प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव याद करें क्या था, हिस्ट्री में मास्टर होना नहीं है। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। अगर वो नहीं कर पा रहे तो वो हिस्ट्री एग्जामिनेशन बहुत खूबसूरत है लेकिन किसी काम की नहीं है, क्योंकि जब मसले का हल नहीं पता चला। तो आफ्टर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन यू शुड बी कंक्लूडिंग इन योर माइंड व्हाट आई एम डीलिंग विद। और ये तो यहाँ हमारे यहाँ अच्छा है कि आपको मरीज़ को काउंसिल नहीं करना होता, वरना ये मरीज़ का ये आपका फ़र्ज़ है कि आफ्टर इंटरव्यूइंग ओपीडी में आपने मरीज़ देखा तो जाते हुए ये बताना कि तुम्हारा मसला क्या है और मैं उसका क्या हल कर रहा हूँ। ये दो चीज़ें अगर आप मरीज़ हर मरीज से करना शुरू कर दें, आप जाने वो इतना सेटिस्फाई होकर आपसे जाएगा। चाहे आप डायग्नोसिस नहीं भी कर सके तो बता दें कि मेरे जहन में अभी दो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं और मैंने ये दो चार टेस्ट एडवाइज़ आपको किए, इसके बाद मैं फ़ैसला कर सकूँगा कि आपका मसला, उसको पता चलेगा। हमारे मरीज़ बड़े बड़े कंसल्टेंट्स को दिखा कर आते हैं, फ़ोन कर रहे होते हैं, यार फवाद वो आ जाना ज़रा देख लेना, फ़लाँ को दिखा के आए थे, मसला क्या है हमारा। मैंने कहा ये आपने वहाँ क्यों नहीं पूछा, वो डर लग रहा था हमें उनसे बात करने में, ना डॉक्टर साहब ने बताया, उन्हें बस कुछ टेस्ट एडवाइस कर दिए, कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, ये नहीं पता कि हमें हमारा मसला। अब उनके साथ बैठो, उनकी सारी चीज़ें देखो और फिर सब कुछ समझाओ कि ये है, अभी उन्होंने ये सोचा है, ये एडवाइस किया है, इसकी बुनियाद पर अभी फैसला होगा। तो आप जब सेकंड फॉलो, जाहिर सी बात है फिर वो फॉलो भी नहीं करते ना, वो टेस्ट प्रॉपरली कराते हैं, क्योंकि आपने उसको कोई रोड मैप, भाई आप उसके साथ ऐसे पार्टनरशिप हैं, और बहुत सी मर्तबा वो आपका कोई टेस्ट करने से इनकारी है तो ये नहीं होगा जाओ भाग जाओ, भाई मजबूरी है, आप कुछ और सोचना पड़ेगा। आप कंसल्टेंट हैं ना, आप कोई वो वहाँ पर हाकिम थोड़ी बैठे हुए कि ये करो और ये ना करो, एंड यू आर देयर टू फैसिलिटेट हिम and taking his help to identify his health problem and offer best possible. हर वक्त ये चीज़ जहन के गिर्द घूमनी चाहिए, assess person's health problem and offer best possible solution. ये दो चीज़ें आपने करनी है हर मरीज़ के साथ, मसला identify और फिर उसका best possible solution, ये दोनों चीज़ें। अभी जो आप लोग क्या करते हैं, हमारी लर्निंग टीचिंग क्या है, सब्जेक्ट लर्निंग हो रही होती है, MI पूरी वॉल्यूम MI का पढ़ा दिया और बंदे को पता ही नहीं MI डायग्नोज। जब डायग्नोसिस करना नहीं आएगा, आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा मसले को, तो उस मसले के हल के आप वॉल्यूम के वॉल्यूम पढ़ लें वो किसी काम के। तो यहाँ पे क्लिनिकल टीचिंग इज नॉट दिस लेक्चर एंड दिस ऑल, क्लिनिकल टीचिंग इज़ ऑन बेड साइड, जहाँ आप, अब ये है कि आपको हल्की फुल्की सुपरविजन चाहिए होती है। अभी फर्स्ट टाइम आप ये सुन के अगर बिस्तर पे जाएंगे ना तो आपको ये भी याद नहीं आएगा मैंने पूछना क्या है, क्योंकि बेड साइड एक अलग दुनिया है, वो एक अलग इन्वायरमेंट है, वहाँ पे माइंड डिफरेंट तरीके से चलता है। वो कब चलता है, जब आपने उसको कई मरतबा प्रैक्टिस किया है। पहले तीन चार पांच हिस्ट्रियों में तो सिर्फ खड़े होके बस यही हो रहा होता है, क्या करें, ना कोई सीक्वेंस बन रहा है ना कुछ बन रहा है। ये वो पीरियड है जब मरीज़ समझेगा इसको कुछ नहीं आता। फिर कब, जब कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा, आपके पास एक सीक्वेंशियल अपनी इंक्वायरी के प्लान होंगे और वो प्लान क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप चेंज कर रहे होंगे, डाइवर्ट कर रहे होंगे इन अ कॉन्फिडेंट फैशन। यहाँ आप मरीज़ को समझ में आ जाएगा कि ये अपने सब्जेक्ट को जानता है, जिसमें आप कॉन्फिडेंटली शुरू करेंगे। और पहला सवाल हमेशा ये होना चाहिए, आज मैं सिर्फ इसको चेस्ट पेन एवेल्युएशन को ले लेता हूँ, बाकी आप इसी पे रेप्लिकेट कर लें कि आपको इस तरीके से इन चारों बेसिक सिम्टम्स को खुद जाके पढ़ना है कि इन सिम्टम्स में क्या बातें होती हैं तो वो कार्डियक होता है और क्या होती हैं तो, और ये तो पहला स्टेप है। फिर जब हम कार्डियक कहते हैं तो कार्डियक में भी फैसला करना कि कार्डियक में ये कौन सी डिजीज़ को हाईलाइट कर रहा है। फिर डिजीज़ के बाद हिस्ट्री पे ही फैसला करना इसकी सेवियरिटी क्या है,
ये तमाम चीज़ें हिस्ट्री बेस्ड होती हैं और 95% काम वहाँ पे मुकम्मल हो चुका होता है। अब बाकी चीज़ें सिर्फ फर्दर प्लानिंग और कन्फर्मेशन के लिए हो रही होती हैं। और जैसे हम लोग ओपीडी करते हैं तो हम 7 से 10 मिनट किसी मरीज को देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है। 5 to 7 मिनट्स में ये सब कुछ करना, यानी ये जाहिर सी बात है यही आपकी डेस्टिनेशन भी है, अल्टीमेटली आपने पेशेंट्स देखने हैं ऑन योर ओन। तो अभी बेशक आधा घंटा पौन घंटा आप लें, लेकिन आप सोच क्या है कि आपका टारगेट क्या है कि 5 से 7 मिनट के अंदर ये पूरा काम। और ये तो सिर्फ कार्डियोलॉजी पार्ट है, और कार्डियोलॉजी के तो सिर्फ, लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं है, एक विशेष सर्कल है। जब आप एक ट्रैक पे चलना शुरू हो जाते हैं ना तो फिर चीज़ें ओवरलैप हो जाती हैं, वो सारी नॉलेज आपस में ओवरलैप होने लगती है और फिर वक्त के साथ साथ वो और मज़ीद बेहतर और रिफ़ाइन हो जाती है। लेकिन बेस क्या है, स्टार्ट एक लॉजिकल सीक्वेंस से करना है। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि बिल्ड करने एटीट्यूड के, किस तरह मरीज़ से आपने इंटरेक्ट करना होता है, स्टार्ट इंटरव्यू कैसे करना होता है, और फिर सर्टली एक डॉक्टर को अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। वो अपने 3-4 जुमलों में जज कर लेता है कि इस मरीज़ का स्टेटस क्या है इन टर्म्स ऑफ हिज इंटेलिजेंस लेवल, इन टर्म्स ऑफ हिज फोकस ऑन थिंग्स। तो वो फिर आप चाहे तो अटेंडेंट की हेल्प लें, चाहे तो उसको ही डाइवर्ट करें, कभी ओल्ड एज मरीज़ को याद भी नहीं होती चीज़ें, तो वो ख़ुद फ़ैसले करने होते हैं। वो आप वक्त के साथ सीखेंगे कि आपकी आइडियल इंटरव्यूइंग के वो क्या शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं जो आपको फुलफ़िल करनी है, लेकिन उसको छोड़ नहीं देना है हिस्ट्री पार्ट। हिस्ट्री पार्ट से जो कुछ आइडेंटिफाई होता है ना, आप सोच नहीं सकते वो कितना हेल्पफुल होता है। और आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हम ये पार्ट नेगलेक्ट कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशंस पे रिलाई करते हैं। ठीक है, वो तो सुन लेंगे। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखने के बाद हमारा ये स्टेटस हो जाता है कि हम रिट्रोस्पेक्टिव जाके, कि हम पहले फाइलों से शुरू करते हैं, अब हमें पता होता है कि स्टोरी क्या बिल्ट हुई है और हमें हिस्ट्री के वो कौन से सेलिएंट पॉइंट्स चाहिए जो मुझे मिल जाएंगे तो मेरा पज़ल फिक्स हो जाएगा। लेकिन अभी आपका वो स्टेटस नहीं है कि आप ईगो से शुरू करें या ईसीजी से शुरू करें, आपका स्टेटस अभी लर्निंग फेज़ है। तो क्या है, हमेशा फाइल देखनी नहीं है मरीज़ की, अपने आप को कंपेल करना है कि मैं पहले हिस्ट्री लूँगा, सुनूँगा इस मरीज़ को और उससे फ़ैसला करूँगा कि ये मरीज़ क्या हो सकता है, फिर उसका फर्दर एग्जामिनेशन पर्टिनेंट टू हिस्ट्री में करूँगा ये देखने के लिए। अच्छा, एग्जामिनेशन के भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, इस एग्जामिनेशन पार्ट ऑफ आर एग्जामिनेशन भी, ओह फिर हमें फास्ट चलना पड़ेगा। हिस्ट्री की तकरीबन मैंने अब ये वाला पार्ट आपको खुद कवर करना है, जाके पढ़ना है क्लिनिकल मेथड्स की बुक, नेट पे चले जाओ, एल्गोरिदम्स आपको मिलेंगे कि चेस्ट पेन को किस हेडिंग्स में, ड्यूरेशन, साइट, कैरेक्टर और बहुत सारी एसोसिएटेड फीचर, एग्रीवेटिंग, रिलीविंग, ये सारी बातें पूछनी होती हैं। और इसमें कमाल हिस्ट्री का क्या होता है कि कभी भी क्लोज एंडेड क्वेश्चंस नहीं करने। अब ये क्या होते हैं, क्लोज और ओपन, किसी को आइडिया है? जी, ऐसे सवालात जिनका जवाब यस या नो में हो, ये बिल्कुल ख़राब सवालात होते हैं। क्या ये दर्द बाजू में जा रहा है? रॉन्ग क्वेश्चन। ये दर्द इसके अलावा कहीं और जाता है? नाउ यू हैव लेफ्ट इट टू पेशेंट टू डिसाइड वेयर इट्स रेडिएटिंग। सिमिलरली चेस्ट पेन से स्टार्ट करना है, इवन चेस्ट पेन से भी नहीं स्टार्ट करना, पूछना है आपको क्या मसला था, व्हाई यू कम इनटू हॉस्पिटल, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड दैट, यहाँ से स्टार्ट। यानी आपने पूरा ओपन छोड़ दिया मरीज पे कि मुझे अभी बताओ, अभी तुम्हारा मसला क्या चल रहा है, अभी प्रॉब्लम क्या है, इस वक्त क्या चीज़ सबसे ज़्यादा परेशान कर रही। कभी वो 4-5 बातें करता है तो हम फोकस करने के लिए कहते हैं इसमें सबसे ज़्यादा तुम्हें परेशान कौन सी चीज़ कर रही है, तो फिर वो फोकस होना शुरू होता है। और फिर आपको आइडिया होगा, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज से बात करते हैं, आपको किस तरह उसको अपने, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अच्छा, पहले जब आप ये वाला क्वेश्चन करें तो थोड़ी देर 1-2 मिनट मरीज़ को दें बोलने। कभी कभार मरीज़ अजीब से होंगे, हाँ ये है लेकिन हमें 5 साल पहले हमने फलां डॉक्टर को दिखाया था, उसने कहा था कि आपको एंजाइना है,
वो ख़ुद ही लेबल उल्टे सीधे दे रहा है। अब आप ख़ुद फौरन इसके सवालात जहन में रखते जाएं, ये इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है कि एंजाइना किस बेसिस पे कहा था, क्या कोई टेस्ट हुए थे, दाखिल हुए थे, क्या ये वो वैलिडेशन है उस इन्फॉर्मेशन की जो वो दे रहा है, या वक्त के साथ सीखेंगे। उसको आपने एक्सेप्ट नहीं कर लेना है कि एंजाइना था, किस तरह फिर उसको वैलिडेट करना है ये आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें होती हैं जो वाकई एंजाइना वाली होती हैं। तो आप उससे डबल चेक करेंगे भाई उस दौरान अलामतें क्या होती थी, फिर हम ठीक रहे, दवाई लेते रहे, अभी 3 हफ्ते पहले ये होना शुरू हुआ है, फिर ये हो रहा है, फिर आज रात से अजीब सा सीने में कुछ हो रहा है। अब आपको ख़ुद इसको क्रोनोलॉजी देनी है, इसका मतलब है बैकग्राउंड कुछ वाकई एंजाइना चल रहा था, रात से इसको एक्यूट चेस्ट पेन हुआ है। चेस्ट पेन की फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, अभी मैंने आपको बताया कार्डियक, नॉन कार्डियक, कार्डियक में इवन है वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर, फिर वेस्कुलर में है कोरोनरी और नॉन कोरोनरी, ये डिफरेंट पैथोफिजियोलॉजी है। मसलन चेस्ट पेन कार्डियक हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस विच इज़ नॉन वेस्कुलर, कार्डियक पेन वेस्कुलर हो सकता है, नॉन कोरोनरी एओर्टिक डिसेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कोरोनरी में फिर डिसाइड करना है कि कोरोनरी का स्टेटस स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एस टी एलिवेशन एमवाई या एस टी एलिवेशन एमवाई, और उसके लिए फिर आपको हेल्प चाहिए होती है ईसीजी की भी, मार्कर्स की भी और हिस्ट्री की भी। ये 3 चीज़ें कंबाइन होकर इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर ACS पर है। अच्छा, ACS पे बहुत सारी टॉक्स हैं, YouTube पे जाके आप पढ़ सकते हो उससे पहले, तो वो देख लेना आप पहले ही कि किस तरह हम ACS, आपको यहाँ पे हर तीसरा पेशेंट मिलेगा तो आप ACS असेसमेंट या चेस्ट पेन असेसमेंट डालेंगे तो वो आ जाएगा आपके सामने, वो लेक्चर डॉक्टर फवाद फारूक आगे लिख देंगे, कोई भी टॉपिक वो ECGs करनी है और ACS, ये ज़रूर 2 वीडियोज़ देख लेना, इससे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा कि आगे आपने अपने मरीज़ किस तरह किस चीज़ को वेटेज देनी होती है, हिस्ट्री, ECG और ECG का कम अज़ कम स्कीमिया पार्ट तो वो 1-2 दिन में ख़त्म करो। वैसे आप जाके आज करो, बुक ले लो, बुक के साथ बैठ के वीडियो देखो, 2-3 घंटे लगाने पड़ेंगे, वो मोटी मोटी सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको कि रेट, रिदम एबनॉर्मेलिटी, एक्सेस, स्कीमिया, चैम्बर इन्लार्जमेंट, सारी चीज़ें इस 15 दिन में अगर आप सही मानों में थोड़ी सी जान मार लो कि घर पर 1-2 घंटे लगाने हैं सारी चीज़ों के लिए और यहाँ पर आके अप्लाई करना है, ECG आपको आ जाएगी इंशाल्लाह। और हमारा वार्ड में भी जो लोग साउथ वार्ड में हैं तो साथ साथ आप राउंड, अच्छा राउंड में कहीं पे भी तुम वार्ड्स में हो तो राउंड्स में ज़रूर शामिल हुआ करो उस टाइमिंग पे। आप देखें क्या हो रहा है, किस तरह जूनियर प्रेजेंट कर रहा है, क्या गलतियां कर रहा है सीनियर, उसको किस तरह रेक्टिफाई कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपने सीखनी है क्योंकि कल डिफरेंट वार्ड्स में डिफरेंट टाइमिंग्स होती हैं, वो आपको खुद हीमोडायनेमिक्स पता करनी होती हैं कि कोई, लेकिन कोई ना कोई राउंड, एक मसलन जैसे एक हम कंसल्टेंट हैं तो हमसे जूनियर, एक जूनियर, फिर एक जूनियर, फिर एक, तो कोई ना कोई राउंड ज़रूर, कुछ नहीं तो डॉक्टर खुद राउंड कर रहा होता है, तो आप वो भी जज कर सकते हैं कि भाई वो कैसे उसने मरीज़ को इंटरेक्ट किया, क्या फ़ैसला किया, क्या है, फिर अपने जबान जहन में आप क्वेश्चन खुद सोचें कि क्या इसमें होना चाहिए था क्या, फिर यानी आप जल्द अज जल्द उस पूरी हीमोडायनेमिक्स को समझ लें ER से लेकर डिस्चार्ज तक, और फिर उसमें उसको जज करते रहें कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या गलती हो रही है, क्या सही हो रही है, और आप ख़ुद प्रैक्टिस करना शुरू करें हर पार्ट की। ER में गए, वहाँ ये जज करना कि मरीज़ों में कार्डियक, नॉन कार्डियक, एडमिशन, नॉन एडमिशन किस बुनियाद पे, एडमिट मरीज़ को इनिशियली कैसे मैनेज किया जा रहा है, क्या चीज़ों की बुनियाद पर, और इसके साथ साथ इसको पढ़ते भी रहे, जाके उस दिन में जो भी क्लिनिकल क्वेश्चन आपके जहन में अराइज़ हुए उसको जाके पढ़ लिया, तो ये नॉलेज मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी ज़िंदगी याद रही। और हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या था, वही असेस पर्सन्स हेल्थ प्रॉब्लम, ऑफर बेस्ट, पास होना नहीं होना, नंबर लेना ना लेना, अभी किसको पता है, डॉक्टर की क्लिनिक पे मरीज़ आता है उसको क्या पता होता है गोल्ड मेडलिस्ट है या नहीं है, उसको ये पता होता है मेरा मसला असेस कर सकता है कि ये सीख लिया बाकी एवरेज पास हुए हो, मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद हो गए नहीं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली लेकिन मरीज़ से बात करनी नहीं आती, उसको सेटिस्फाई करना नहीं आता, बेकार हैं आप, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग से आपका रिलेशन है, आपके ये चीज़ सही नहीं है ना, काउंट्स अ लॉट। 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे प्रोफेशन में, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, एंड आई हैव सीन दोज हु हैव अ गुड एटीट्यूड
towards patient, towards colleague, towards senior, towards junior, they excel. Skill bhi idhar reh jati hai, knowledge bhi idhar reh jati hai. Sirf kya cheez chalti hai? Professional life mein attitudes chalte hain. Ye aapki average, ab aise bilkul bhi na ho to phir to nahi chalega. Average bhi ho to chal jayengi knowledge aur skill. Ye nahi hai aur aap bade zabardast skillful hain aur wo hain, ek component tak rahenge, aap us tarike se apna wo nahi bana sakte. आप जितने भी लोग आपको नज़र आएंगे, आप उनको देखेंगे उनके एटीट्यूड्स कैसे हैं, तो उसमें अभी से मेहनत करें. और वो किसी को दिखाने के लिए नहीं है, वो एक सेल्फ सेकंड नेचर होनी चाहिए कि आपके साथ कोई भी मिलने वाला, बात करने वाला, वो कंफर्टेबल महसूस करे. वो सिर्फ पेशेंट की हद तक नहीं होनी चाहिए, हर जगह हर लेवल पर, यानी उसको आप इतना कॉन्फिडेंस जैसे दे दें कि वो आपसे जो बात पूछना चाहे, जो बात करना चाहे, तो ये आपको खुद पता होता है वो किस तरह आपने करना होता है, कि किस तरह आप ऐसा इन्वायरमेंट और ऐसा बॉन्ड क्रिएट कर दें अपने मरीज के साथ कि फील्स कंफर्टेबल विद यू. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बार बार मैं इस पर आ रहा हूँ. चेस्ट पेन की हमने बात कर ली, बिल्कुल इसी तरह आपने SOB, पैल्पिटेशन और सिनकपी को जज करना है. तो ये हिस्ट्री का हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, लेकिन अब आपको खुद जाके कोशिश करनी है. चाहे इसके लिए आप छोटे छोटे फॉर्मेट्स बना लें अपने पास, उस पर लिख के कि चेस्ट पेन है तो क्या क्या बातें पूछी जाती हैं ये, और उसमें बेशक आप एक नहीं दो की सूरत में करें, एक आदमी वो देखे दूसरा आदमी, और कभी भी डायरेक्ट लिखा नहीं करो मरीज़ के सामने. हैबिचुअल हो जाओ डायरेक्ट बात करनी है, जैसे डॉक्टर बात करता है आपका, वो है आप जाके बात करें, सॉन क्या हाल है जी, कब आए थे आप. और अच्छे मरीज़ वो होते हैं जो उस दिन दाखिल हुए हैं, उनको अभी पता नहीं होता कौन क्या है, दे आर रेडी टू टेल एवरीथिंग टू एवरीवन. अगला दिन गुजर गया और फिर आप उसके पास गए, वो यूं करेगा मुंह ये काम का डॉक्टर नहीं है, बताने वाला वो था. तो आपको पता होना चाहिए किस दिन किस डॉक्टर वो यूनिट की कॉल हो रही है, उसमें नए मरीज़ किस दिन आ रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम उन पर लगाएँ ताकि वो पूछें आप. और अच्छा है रॉ मरीज़ होगा, आप फैसले करें, नेक्स्ट डे आप देखें कि क्या निकला. यानी अपने आप को ओरिएंट करना है एज ए डॉ, यानी आप ये फैसला करके आए हैं कि आपने ये सीख लेना है कि मसला क्या है. बार बार उसी बात पे आ रहा हूँ, हर एफर्ट का कंक्लूजन ये बनाओ. और यहाँ पे जो काम भी करो ये सोचो कि ये मुझे अपनी वो स्किल एक्वायर करने में कितनी मदद दे रही है ये चीज़. अब मैं यहाँ देखता हूँ कुछ लोग पेस मेकर देख रहे होते हैं, कुछ ये देख रहे, ठीक है एक बार देखने की हद तक, लेकिन उस पर अपना ये क्लिनिकल काम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. वो भी अच्छी चीज़ है कि आपको ओरिएंटेशन हो जाए, ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में आप बड़े बड़े अरिथमियाज़ की मैनेजमेंट देख रहे हैं. वो भाई अब पहले अरिथमिया असेस करना तो सीखो, मैनेजमेंट तो अगला गेम है. तो उस पर ज़्यादा फोकस रखना है, आइडेंटिफिकेशन, एबल टू डायग्नोज समथिंग अपनी कैलिबर को देखते हुए. ओरिएंटेशन की हद तक इवन एंजियोग्राफी भी देख सकते हो, प्राइमरी भी देख सकते हो, स्टेंटिंग भी देख सकते हो, लेकिन अपना एक टाइम कैलकुलेट करते हुए कि मुझे कितना टाइम किस पे लगाना है, कितना. वार्ड में आप गए नहीं और दुनिया भर की चीज़ें देख के चले गए, तो आप यहाँ से वो कुछ हासिल नहीं करके जाओगे जिसकी नीड है. आप वो करना है कि मरीज से इंटरेक्ट करके हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोज करना, ये आना चाहिए. और यहाँ इतना स्पेक्ट्रम है, इतनी वेरिएशन सिम्टम्स की आपको मिलेगी कि आप 15 दिन में मेरे ख्याल है 200-300 मरीज जितने देखने चाहो कि किस अंदाज से आपको ऐसे भी मिलेंगे जो लग रहे होंगे नॉन कार्डियक, निकलेंगे कार्डियक. कुछ ऐसे लग रहे होंगे जो बिल्कुल कार्डियक लग रहे होंगे, होंगे ऐसे भी मिलेंगे. तो ये सब आप किससे, बैकग्राउंड से अंदाज़ा हो जाएगा. एक 20 साल का आदमी जिसको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, उसके सिम्टम है तो उस पर इतना वेट इंसान, और एक 50 साल का रिस्क फैक्टर के साथ आदमी है उसके बॉर्डरलाइन भी सिम्टम है तो ज़रा वेट देना पड़ेगा. तो वो चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी जब आप मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम की चीज़ों को जज करेंगे. जल्दी से हम एग्जामिनेशन पे आ जाते हैं क्योंकि हम ये ACS जो डिस्कस करेंगे ना, इस पर हम चेस्ट पेन को डिटेल में नेक्स्ट मंडे को डिस्कस कर लेंगे, और उसी अंदाज से फिर आप आगे, और उसकी इसकी आपको वीडियो भी मिल जाएगी ACS की. एग्जामिनेशन की भी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो YouTube पे बहुत सारी इसकी हैं. ये इसी तरह होता है जैसे ये आपके साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो एक सरमाया बन जाता है दो लोगों के लिए.
और ये अच्छा है कि जो लोग अब नेक्स्ट पोस्टिंग पे आएंगे वो पहले से देख लेंगे उनको गाइड कर देना ताकि उनको आइडिया हो जाए कि, और ये आइडियली आपको पहले से तैयारी करके, ये सिर्फ कार्डियोलॉजी के लिए नहीं मैं कह रहा, जिस यूनिट में भी आप जा रहे हो उस यूनिट में जाने से पहले आप एक रफली आइडिया कर लो कि किस किस्म के प्रॉब्लम्स वहाँ पर आते हैं। आप एक रफ आइडिया सीख लें कि सर्जरी में जो चीज़ें आएंगी उनमें कैसे डायग्नोज करनी है, क्या चीज़, उसका होमवर्क करके जाएं ताकि उस रोटेशन का मैक्सिमम फ़ायदा आप उठा सकें क्लिनिकली। ये जो रजिस्ट्रेशन होती है फॉर सिम्टम साइंस दैट विल रिमेन विद यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और यही आपको हेल्प करती हैं अपना कंक्लूजन बनाने में, जो आपकी अपनी पर्सनल बेसिस की रजिस्ट्रेशंस होती हैं। मैं आपको हज़ार समझा दूं कि एग्जामिनेशन में मरमर ऐसी होती है, फलां होती है, ये होती है, जब तक आपने ख़ुद सुन के पर्टिकुलर पिक की होंगी, आपने रिदम रेगुलर या इरेगुलर जो ख़ुद पिक किए होंगे, और फिर उसके बाद पिक करने के बाद जब आप उसको फर्दर वैलिडेट करते जाएंगे और आहिस्ते आहिस्ते आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि रेगुलर क्या होता है। और मैं हैरान होता हूँ बहुत से इवन पोस्ट ग्रेजुएट्स, हाउस ऑफिसर भी नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हमारे पास दो साल मेडिसिन करके आ रहे होते हैं, समटाइम दे आर अनएबल टू पिक इरेगुलर रिदम्स कि इरेगुलर है या क्यों, क्योंकि सेंसर को अपने आदि नहीं बनाया। अभी मैं जैसे आपको बात कर रहा था, नॉलेज के बाद स्किल चाहिए, और स्किल डेवलप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिपीटिशन से होती है, उसका और कोई नेमल बदल। तो एग्जामिनेशन में एक्सेलेंस अचीव करने का पहला उसूल ही यही है, रिपीटेड प्रैक्टिस। उसमें ठीक है थोड़ा सा माइंड ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है जिन लोगों की, वो जल्दी सीख लेते हैं, जिनकी ऑब्जर्वेशन पार्ट थोड़ा सा वीक होता है वो थोड़ा सा लेट सीखते हैं, लेकिन आप मेहनत करें तो सीख सब जाते हैं। फिर वो कोई बहुत सटल डिफरेंस हो फिर तो ठीक है, वो आपकी कैलिबर की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन क्लियर कट तो पिक, और इतना इंपॉर्टेंट है ये पिक करना कि रेगुलर है, इररेगुलर है, टेकीकार्डिया है, ब्रेडीकार्डिया है, पल्स है या नहीं है, पूरा ACLS जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है दैट डिपेंड्स ऑन, कि आप जज कर सकते हैं पल्स है या, और बहुत से लोग कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते एक क्रिटिकल पेशेंट में कि वाकई, कभी अपनी कैपिलरीज पल्सेशन को पल्स कह देते हैं, क्यों, क्योंकि इतने मरीज देखे। और फिर अगेन ये आपके लिए वो बहती गंगा है, इतनी वेरिएशंस मिलेंगी क्लिनिकल साइंस की कि हर वार्ड में 70-70, 80-80 मरीज पड़े हुए हैं, हर की पल्स एक अजीब स्टाइल की होगी, और आप कुछ नहीं करते एक दिन सबकी पल्स एक एक मिनट देख लेते हैं 70 मिनट में, ये भी बहुत बड़ी लर्निंग होगी कि किसी की रेगुलर, किसी की टैकी, किसी की ब्रेडी, किसी की इररेगुलर, किसी की ओकेजनल इररेगुलर, किसी की इररेगुलरली इररेगुलर, और ये क्या करना है, अगेन ऑब्जेक्टिव कहाँ जा रहा है, ये इस काबिल हो जाना कि मरीज का मसला, और ये एक ब्लेसिंग होती है मरीज़ के लिए वो डॉक्टर जो खड़े खड़े 2-3 मिनट में 2-3 सवाल और थोड़े से मोइने के बाद मसले का हल निकाल लेता है, आइडेंटिफाई भी कर लेता है और हल भी निकाल लेता है, उसको पता नहीं हज़ार चक्करों से बचा लिया। वरना यहाँ क्या चल रहा है, फलां को दिखाओ, फलां को दिखाओ, फलां को दिखाओ, खुद जज ही नहीं कर पा रहे, ये करा लो, वो करा लो, ऐसे ऐसे हमने केसेस देखे हैं न्यूरोलॉजी से आए हुए जिसमें MRI भी हुआ हुआ है, EEG भी हुआ हुआ है, और आखिर में डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये ब्रेन का मसला नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ। अगर वो थोड़ी सी हिस्ट्री ले लेते और पक्की सिंकपी लग रही होती तो ये चीज़ें कराए बगैर वो भेज सकते थे, वो बेहोश हुए हैं, ठीक है ये करा के आ जाएं, ये करा के आ जाएं, अब वो आ गए तब पूछा होता क्या है, बस एकदम से आंखों के आगे अंधेरा चल जाता है, गिरते हो थोड़ी बार ठीक हो जाते हैं, नहीं नहीं भाई ये दिमाग का मसला नहीं है। तो भाई ये सवाल 3-4 आप ये पूरा 25-30 हज़ार का नुस्खा करने से पहले कर लेते, और ये कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना बड़ी बात होती है जब अपने रिपीटेड पेशेंट्स को इंटरव्यू करके कंक्लूजन हिस्ट्री बेस्ड और एग्जामिनेशन बेस्ड बनाए होते हैं, तब आप में ये कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि आप एक इंटरव्यू में ही फैसला कर लेते हैं कि दिस इज़ नॉट माई केस, यू नीड टू सी दैट पर्सन। वरना क्या होता है, आप मरीज़ को वो चौरंगी के गिर्द घुमाते रहते हैं, वो पता नहीं कभी उस रास्ते पे ले गए, फिर वो जब वो उसके एंड से वापस फिर वापस आते हैं, नहीं नहीं ये इधर से नहीं इधर जाना है, ये वाली बात होती है। दिस हिस्ट्री एग्जामिनेशन इज़ द फर्स्ट राउंड अबाउट,
where to go after that. But yahan aapne sahi waqt laga ke sahi cheez, aur iske liye zahir si baat hai aapke paas skill honi chahiye. Aur examination, cardiac examination se hum shuru karein. Sabse important cheez, pulse dekhna aana chahiye. Sari. Aur ye faisla karna ke pulse hai ya asymmetrical hai, symmetrical hai, kahin kam hai, kahin zyada hai, kya hai, ye pura cardiovascular ka samajhne boundaries hain, judge karna ke heart se aage vessels sahi kaam kar rahi hain ya nahi kar rahi hain. Phir rhythm aapko batata hai heart ka apna status kya chal raha hai, bready hai, tacky hai, irregular hai, theek hai. Uske baad pulse ke baad blood pressure lena aana chahiye. Blood pressure kaise liya jata hai, uska tarike ka aapko bilkul exact aana chahiye. Iski ek New England Journal of Medicine ki aap site pe jayenge aur likh dein blood pressure measurement technique, wahan pe aapko mil jayegi. So pura unhone bade acche se samjhaya hua hai, cuff ka size kya hona chahiye, cuff kahan bandhna chahiye, patient ki position kya honi chahiye, aap kahan hone chahiye, blood pressure lene ka tarika kya hota hai, palpatory method kya hota hai, wo sari cheeze hain. 8 se 10 minute ki wo video hai, wo zarur dekh lijiye, usse aapko BP lena aa jayega. Precordial examination intahai simple cheez, simple cheez karne ke lihaz se 2 se 3 minute mein aap pura precordial examination kar sakte hain. Jalke GI ho, neurology ho, respiratory ho, sab mein kam se kam 10 se 15 minute comprehensive examination mein lagte hain. Cardiology wahid examination hai jo yun ho jata hai lekin interpretation pe sari game hai, subjective hai, objective nahi hai. तो वो चीज़ें फिर कन्फर्म कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट में वे में आप कब कह सकते हैं, जब आपने रिपीटेडली नॉर्मल और एबनॉर्मल और सटल साइंस रजिस्टर किए हुए हों, तब आप बता सकते हैं कि ये है या एपिक्स बीट है या नहीं है, है तो कैसी है, कब होगा, जब आपकी उंगलियों के सेंसर्स ने इससे पहले कई मरतबा डिफरेंट काइंड ऑफ एपिक्स बीट जज की हैं, वरना तो आपको यही नहीं पता चलेगा है या. बाकी तो आगे की बातें, और इसके इम्पैक्ट हैं. एपिक स्पीड डिस्प्लेस है तो क्या होगा, एपिक स्पीड नॉर्मल है तो क्या होगा, नॉर्मल है लेकिन एबनॉर्मल कैरेक्टर के साथ है तो क्या होगा, इन सब के अपने अपने इम्प्लीकेशंस हैं इन कंक्लूजन कि मरीज का मसला क्या हो सकता है. फिर पेरास्टरल हीव है, फिर थ्रिल्स हैं, ये सारी, ये सब क्या एक बार हाथ फेरना है बस. लेकिन जज करने के लिए कम से कम 100, 200, 300, 1000 मरतबा आपने वो चीज़ें खुद जज की हुई. और अगेन यहाँ आपको मिलेंगे हर तरह के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट मिलेंगे, जिसमें एपिक्स बीट की डिफरेंट वैरायटीज़ होंगी, किसी में थ्रिल होगी, किसी में थ्रिल नहीं होगी, किसी में पेरास्टरल हीव होगी, किसी में पैल्पेबल साउंड होंगी. ये तमाम चीज़ें इन 15 दिनों में रजिस्टर करके जानी. हर वार्ड में 5 से 10 डाइग्नोस्ड स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट के केस पड़े हुए होते हैं, तो उसमें सिर्फ अपने आप को अपने वार्ड तक नहीं लिमिट करें, हर वार्ड में जाके तो रोज़ाना अपना टाइम डिवाइड करें हिस्ट्री के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, ईसीजी के लिए. और मैं कह रहा हूँ इन 3-4 चीज़ों से ऊपर मत जाओ, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, ईसीजी, एक्सरे और ट्रोपोनिन, इन 3-4 चीज़ों की इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए और इसकी बुनियाद पर कैसे फैसले होते हैं और फिर फाइनली एको में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, जिसकी बुनियाद पे आप बता देते हैं कि भाई ये है और ये. एको में फिर आपको साथ साथ सिविरिटी का भी आइडिया होता है और फिर मैनेजमेंट के आप एग्जैक्ट डिसीशन ले पाते हैं एको की बुनियाद पे. एंजियोग्राफी इतना पता होना चाहिए, किसकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए, किसकी, इससे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एंजियोग्राफी कैसे होती है, स्टेंट कैसे डलता है, ये ठीक है एक बार सिर्फ अपनी विजुअल इंप्रेशन के लिए कि चीज़ें किस तरह होती हैं, वरना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, किसकी होनी चाहिए, किसकी, ये इम्पॉर्टेंट, ये सीखना, तो ये करना चाहिए. अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन में जैसे मैंने अभी तुम्हें प्रिकॉर्डियम के लिए बताया, उसमें स्टार्ट आप इंस्पेक्शन से करते हैं. इंस्पेक्शन के लिए फुट एंड पे जाएं, सबसे पहले देखें सिमेट्रिकल है या ठीक है. अब एसिमेट्रिकल लग रहा है, इसका मतलब है कोई ऐसा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है जिसने कुछ ना कुछ बल्जिंग प्रिकॉर्डियम की कर दी है, तो यू एक्सपेक्ट समथिंग इन योर पेल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन. इफ़ एसिमेट्रिकल
तो अभी भी सब चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन ये आइडिया हो जाता है कि डिज़ीज़ की सिविरिटी ज़्यादा नहीं है। फिर वहाँ गए, हाथ के तीन पार्ट्स हैं, ये जो फिंगर्स हैं दीज आर फॉर एपेक्स बीट एंड पैल्पेबल साउंड्स, ये जो मिड पार्ट है ये थ्रिल के लिए, और ये पैरास्टर्नल हीव के लिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने हाथ से यूँ शुरू करते हैं, सबसे पहले मरीज़ को जहाँ पे भी हाथ लगाना है पूछना है कि कोई दर्द तो, फिर आपने एपेक्स बीट लोकलाइज़ की। ये हम वार्ड में जब होंगे मेरे ख्याल है ट्यूसडे को हम एक क्लास लेते हैं और वेंसडे को थर्सडे को राउंड करते हैं। थर्सडे को हमारा राउंड 10:30 से 12:30-11, लेकिन उस आपकी क्लास होगी मेरे ख्याल है, तो आप उसमें मुश्किल होगा आपके लिए आना, तो 12 बजे बाद वाली ट्यूसडे की क्लास में आप आ सकते हैं। तो एपेक्स बीट आपने लोकेट की, फिर उसकी लोकेशन बनानी होती है स्टर्नल एंगल से नीचे आके, ये की फिर पैरास्टर्नल हीव इस हाथ से देख लिया कि है नहीं, फिर इन उंगलियों से पैल्पेबल साउंड्स देख ली, फिर थ्रिल देख, पूरा काम है और इसकी वीडियो मौजूद है, आप जाके देख सकते हो उस पर। ऑस्कल्टेशन बहुत बड़ा आर्ट है, कार्डियक ऑस्कल्टेशन अगर आप लॉजिकल सीक्वेंस में आज से चलना शुरू करें, यू विल बी एबल टू लर्न कार्डियक ऑस्कल्टेशन। आप कैसे सुनते हैं हार्ट साउंड, इसकी भी मैंने 2-3 वीडियोस ऑस्कल्टेशन की अलग से डाली हुई है जी। ऑस्कल्टेशन कैसे करते हैं, थर्ड ईयर से फाइनल ईयर में आए हैं ना, कैसे फैसला करते हैं कि फर्स्ट हार्ट साउंड है या सेकेंड हार्ट साउंड है? यही सवाल का जवाब मैंने एक वीडियो बनाई इसीलिए इस मिसकंसेप्शन के लिए कि पल्स के साथ जो साउंड होती है वो फर्स्ट है और जो पल्स के साथ नहीं है तो वो सेकंड है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कैरोटिड के साथ भी नहीं फर्स्ट हार्ट साउंड आती है। फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है? माइट्रल और ट्राइकस्पिड वेल्व के क्लोज होने से। क्या ये फेज़ पल्स के साथ है? पल्स तो इजेक्शन सिस्टोलिक फेज़ है, सिस्टली का पहला पार्ट, तो ये उसके साथ कैसे आएगी? ये तो उससे पहले आएगी। ये कब हुआ है? जब डायस्टली ख़त्म होती है तब ये दोनों साउंड्स, दोनों वेल्व बंद होते हैं, और सेकेंड हार्ट साउंड वो सिस्टली के बाद आती है। ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो साउंड पल्स से पहले आ रही हो वो फर्स्ट है, जो बाद में आ रही हो वो सेकेंड है। मुझे ऐसा कोई आइंस्टाइन बता दो जो हाथ इधर रखता हो, सुनता इधर हो, स्टेथ इधर लगाता हो और फिर यहाँ पल्स पिक करता हो और फिर यहाँ साउंड पिक करता हो और कहता हो ये पल्स से पहले, ये पल्स के बाद, ऐसा है कोई आइंस्टाइन? ये कोरिलेशन हो ही नहीं सकती है जब तक आप पल्स उधर से पता नहीं कितने साइकिल ठक 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 गुजर जाएंगे। द गुड वे इज टू आइडेंटिफाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड, द साउंड विच कम्स आफ्टर लॉन्गर पॉज इज फर्स्ट। सिस्टली छोटी होती है, डायस्टली टैकीकार्डिया में कभी कभार क्लोज हो जाती है, वरना अदरवाइज सिस्टली छोटी है, डायस्टली बड़ी है। तो फर्स्ट सेकेंड फिर फर्स्ट सेकेंड, तो ये आपके पास साउंड आई, फिर एक गैप आया, फिर अगली जो साउंड आई तो ये फर्स्ट हो जाएगी। तो जो भी साउंड लॉन्गर गैप के बाद आएगी वो फर्स्ट है, और जो उसके बाद इमीजिएटली आएगी ये सेकेंड है। ये एक दिमाग को प्लान देना होता है सुनने के लिए। फिर आप नॉर्मल को कई मर्तबा सुनेंगे तो फिर आपको ये बेस ट्यून याद हो जाएगी और समझ में आने लगेगा ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बार बार सुनना। इसी तरह फिर इसकी बुनियाद पे फैसला करना कि सिवियरिटी किसकी ज़्यादा है, फर्स्ट सिवियर है या सेकेंड लाउड है, या सेकेंड लाउड है, फर्स्ट सॉफ्ट है, इसके भी क्राइटेरियाज हैं। तो पहले तो साउंड सुननी होती हैं, सुनने के बाद ये फैसला करना है कि फर्स्ट कौन सी है, और फिर ये फैसला करना है कि कोई लाउड है, इंटेंसिटीज कैसी हैं, फिर एडिड साउंड्स, एडिड साउंड थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, मरमर कैसे होती हैं, वो सब सुन सुन के आती हैं। अभी आपका वो स्टेज है कि आप नॉर्मल को सुन सुन के ये फैसला कम अज़ कम करना शुरू कर दो कि जो साउंड्स आ रही हैं इसमें फर्स्ट कौन सी है, और इतना कर लिया आपके माइंड ने जज करना शुरू कर दिया और आप कॉन्फिडेंट हो गए ये फर्स्ट है और ये 5 दिन के लिए काफ़ी है। फिर अगला है सिवियरिटी, इंटेंसिटी किसकी। नॉर्मली माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व पे फर्स्ट हार्ट साउंड लाउड होगी और सेकंड कम होगी,
और एओटिक और पल्मोनरी एरिया पे सेकंड लाउड होगी, और ये जज करना है आपने, ऐसा है कि अपने आप को जवाब दें नॉर्मल पेशेंट में कि क्या यहाँ पे दोनों फर्स्ट आ रही हैं, यहाँ पे कम आ रही हैं। इतना फ़ैसला आपके कानों को करना आ गया और ये जज करके होगा। जितना आप नॉर्मल को बार बार सुनेंगे और फैसला करेंगे, अपने आप को बताएंगे कि भाई ये इस तरह है, तो उससे आप सीखते जाएंगे, ठीक। और इसकी फिर मरमर हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये प्योर रजिस्ट्रेशन है कि आप जितनी बार वो सुनेंगे मरमर, तो आपको रजिस्टर हो जाएगा माइंड में कि ये MS की मरमर ऐसे होती है। लेकिन हर मरमर को सुनने से पहले, हर एडिट साउंड को सुनने से पहले, आपको पहले बेस म्यूज़िक को समझना, दैट इज़ फर्स्ट टाइम। वो आपको पता चल गया, जैसे आप म्यूज़िक बैंड बज रहा होता है ना, उसमें एक बंदा हर वक्त लगा हुआ होता है, बाकी चीज़ें बार आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, वो तो ये आपको आइडिया हो जाए कि ये फर्स्ट सेकंड और बग़ैर किसी एडिशनल म्यूज़िक के चल रहा है। तो क्या है, जब म्यूज़िक ऐड होती है तो म्यूज़िक क्या हो जाता है, ये आहिस्ते आहिस्ते माइंड रजिस्टर कर लेता है कि ये MS के मरमर में क्या होगा, AS के मरमर में क्या होगा, MR के मरमर में, AR के मरमर में, ये सब आप वो बेस में, बेस को सुन के ये फैसला करना सबसे पहले बड़ा मुश्किल होता है कि ये नॉर्मल है या ये कॉन्फिडेंस। आपको जब कई मर्तबा आप नॉर्मल को सुन लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस हद तक नॉर्मल वेरिएशंस की साउंड होती हैं, क्योंकि फ्लो की भी एक साउंड होती है जो एक नए सुनने वाले को मरमर में लग रही होती है, वो नॉर्मल फ्लो की साउंड होती है। फिर आप जब पैथोलॉजिकली एबनॉर्मल सुन लेते हैं, फिर आपको आइडेंटिफाई होने लगता है कि ये तो नॉर्मल वेरिएशन था, ये पैथोलॉजी। लेकिन हर चीज़ का एट द एंड क्या होगा, रिपीटिशन, रजिस्ट्रेशन बाय योर सेल्फ, 1-to-1, मेरे बताने से समझाने से नहीं होगा, खुद करना होगा, ठीक है। तो ये बस इसको अमेंड कर देते हैं, ठीक। और कोई क्वेश्चन आपके जहन